मैं शैशव आप सबका भारत स्काउसिंग गाइड की तरफ से हिंदी बीएसई न्यूज चैनल में स्वागत करती हूं। आइए मुख्य समाचार जान लेते हैं। राष्ट्रीय मुख्यालय एवं समस्त राज्यों ने थिंकिंग डे मनाया। द्वितीय भारत बांग्लादेश मैत्री शिविर का आयोजन। एक दिवसीय कप बुलबुल शिविर राजस्थान में आयोजित। अररिया जिला द्वारा फिट इंडिया कार्यक्रम का आयोजन। पश्चिम मध्य रेलवे एडवांस तथा बेसिक प्रशिक्षण कोर्स कोटा में आयोजन। आइए समाचार को विस्तार पूर्वक जान लेते हैं। इंटरनेशनल द्वितीय भारत बांग्लादेश मैत्री शिविर श्री अमरबीर क्षेत्रीय संयुक्त निर्देशक स्काउट्स के नेतृत्व में 26 फरवरी से 2 मार्च 2024 तक नेशनल एडवेंचर इंस्टीट्यूट कर्शिंग दार्जिलिंग में प्रारंभ हुआ। बांग्लादेश के मुख्य राष्ट्रीय आयुक्त माननीय डॉक्टर मोहम्मद मुजम्मल खान ने मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। श्री अमरबीर क्षेत्रीय संयुक्त निर्देशक स्काउट्स ने मुख्य अतिथि और भारत बांग्लादेश मैत्री के राष्ट्रीय आयुक्त एवं अध्यक्ष श्रीमती सफीना रहमान को स्काफ खादा और गुलदस्ता भेंट करके स्वागत भाषण दिया। श्री श्यामल कुमार विश्वास मुख्य आयुक्त स्काउट बीएसजी ने दीप प्रज्वलित किया। श्री देवादित्य चक्रवर्ती राज्य मुख्य आयुक्त बीएसजी पश्चिम बंगाल ने मुख्य अतिथि और प्रतिभागियों के प्रति आभार व्यक्त किया। इसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम तमिलनाडु पश्चिम बंगाल बांग्लादेश गर्ल स्काउट्स और राजस्थान द्वारा प्रस्तुत किया गया। भारत के विभिन्न राज्यों और बांग्लादेश स्काउट्स से लगभग 374 प्रतिभागियों ने भाग लिया। एनएचक्यू लॉर्ड बजन पॉवेल एवं लेडी बजन पॉवेल के जन्मदिन 22 फरवरी 2024 को राष्ट्रीय युवा परिसर गतपुरी हरियाणा में उत्साह के साथ विश्व चिंतन दिवस और संस्थापक दिवस के रूप में मनाया गया। श्री जे अग्रवाल उद्योगपति एवं सामाजिक कार्यकर्ता और डॉक्टर मिथु अरोरा गौतम ने बजन पॉवेल और लेडी बजन पॉवेल की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण किया। डॉक्टर के खंडेलवाल आईएएस माननीय मुख्य राष्ट्रीय आयुक्त ने अन्य अतिथियों के साथ कब बुलबुल स्काउट्स एंड गाइड्स द्वारा प्रदर्शित प्रदर्शनी का दौरा किया। माननीय मुख्य राष्ट्रीय आयुक्त ने अभिनंदन समारोह के दौरान फ्रेंड्स टू बीएसजी के सदस्यों को पिन और प्रमाण पत्र प्रदान किया। एनएचक्यू राष्ट्रीय एकता शिविर का आयोजन 19 से 23 फरवरी 2024 तक राष्ट्रीय युवा परिसर गतपुरी हरियाणा में किया गया, जिसमें आंध्र प्रदेश हरियाणा जम्मू एंड कश्मीर कर्नाटका मध्य प्रदेश एनएफ रेलवे राजस्थान दक्षिण पूर्वी रेलवे तमिलनाडु उत्तर प्रदेश एवं स्टाफ सहित 200 प्रतिभागियों ने भाग लिया। शिविर के दौरान प्रतिभागियों ने राज्य प्रदर्शनी भारत के त्यौहार भारत के विवाह लोक नृत्य फूड प्लाजा और देशभक्ति गीत प्रतियोगिता में भाग लिया। श्री बाबू गोस्वामी ने जलवायु परिवर्तन कार्य योजना पर एक सत्र लिया। सुश्री शिवांगी सक्सेना सहायक निदेशक मध्य क्षेत्र ने शिविर का संचालन किया। एनएचक्यू राष्ट्रीय स्तर का बुलबुल उत्सव गोल्डन एरो अवार्ड रैली दिनांक 19 से 23 फरवरी 2024 तक राष्ट्रीय युवा परिसर गतपुरी हरियाणा में आयोजित की गई। इसमें छत्तीसगढ़ पूर्वी रेलवे पूर्वी तट रेलवे गुजरात हरियाणा कर्नाटका केरल महाराष्ट्र पंजाब दक्षिणी रेलवे तमिलनाडु उत्तराखंड मध्य प्रदेश पूर्वोत्तर रेलवे राजस्थान और तेलंगाना कुल 16 राज्यों से 324 प्रतिभागियों ने भाग लिया। शिविर के दौरान प्रतिभागियों ने जंगल डांस तारा स्टोरी लोक नृत्य लोकगीत फूड प्लाजा और देशभक्ति गीत जैसी अनेकों प्रतियोगिताओं में भाग लिया। श्रीमती सुरेखा श्रीवास्तव उप निर्देशक गाइड्स एवं शिविर निर्देशक ने शिविर का संचालन किया। एनएचक्यू रोवर्स रेंजर्स और युवा लीडर्स के लिए एसडीजी पर राष्ट्रीय स्तर की एडवोकेसी कार्यशाला श्री अनिलेंद्र शर्मा सहायक निर्देशक उत्तर पूर्वी क्षेत्र के नेतृत्व में 28 फरवरी 2024 से 3 मार्च 2024 तक डॉक्टर एनी बेसेंट ट्रेनिंग एवं कैंपिंग सेंटर डोडा बल्लापुर कर्नाटका राज्य में आयोजित की गई, जिसमें 10 राज्यों से 73 प्रतिभागियों ने भाग लिया। कार्यशाला का उद्घाटन श्री पी जी आर स्किंदिया कर्नाटका राज्य के माननीय राज्य मुख्य आयुक्त और प्रेसिडेंट इन काउंसिल बीएसजी के महासचिव श्रीमती गीता नटराज उपाध्यक्ष बीएसजी और राज्य आयुक्त कर्नाटका राज्य श्रीमती बीवी रामलता राज्य आयुक्त गाइड्स श्री मधुसूदन अवाला अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय आयुक्त और श्री कृष्णा स्वामी आर पूर्वी कार्यकारी निदेशक की उपस्थिति में किया गया। प्रोजेक्ट क्लैप भारत स्काउट्स एवं गाइड्स मध्य प्रदेश जिला संघ जबलपुर के तत्वाधान में 6वीं मध्य प्रदेश राज्य बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 के दौरान जलवायु परिवर्तन पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश के कुल 165 स्काउट्स गाइड्स सहित खिलाड़ियों ने प्रतिभाग लिया।
25 फरवरी 2024 को शिवपुरी जिला संस्था द्वारा नगरपालिका पार्क शिवपुरी में सफाई अभियान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का संचालन श्री देवराज खत्री एवं श्री विकास खत्री के नेतृत्व में किया गया। उन्होंने प्लास्टिक और रैपर्स इकट्ठा करके पार्क को साफ किया और इसे पुनः उपयोग करने के लिए तैयार किया गया। 25 फरवरी 2024 को रायपुर जिले छत्तीसगढ़ राज्य के रोवर्स और रेंजर्स ने रायपुर में 70 वृक्षारोपण किया और बाइक रैली का आयोजन किया गया। NAI पचमढ़ी राष्ट्रीय साहसिक संस्थान पचमढ़ी में 27 फरवरी 2024 से 4 मार्च 2024 तक 490 व राष्ट्रीय साहसिक कार्यक्रम में महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एवं उत्तर मध्य रेलवे के 139 प्रतिभागियों ने श्रीमती बिल्की शेख प्रभारी साहसिक कार्यक्रम अधिकारी के नेतृत्व में भाग लिया। कार्यक्रम में प्रतिभागियों ने स्काई साइकिलिंग, जिप लाइन, ट्रेकिंग, तीरंदाजी, निशानेबाजी एवं हाइक में भाग लिया। राज्य समाचार। राजस्थान। एक दिवसीय कबूलबुल सिविल बिरला स्कूल पिलानी डी विंग जूनियर राजस्थान राज्य में 25 फरवरी 2024 को आयोजित किया गया, जिसमें 73 कब बुलबुल्स ने भाग लिया। शिविर के दौरान बॉल थ्रो, प्री रेस, मेकिंग पेपर बैग, रोलिंग ऑफ स्टाफ आदि गतिविधियों का आयोजन किया गया। बिहार। 27 फरवरी 2024 को बिहार राज्य भारत स्काउट्स एवं गाइड्स अररिया जिला द्वारा पाई वर्ल्ड स्कूल फारबिसगंज में फिट इंडिया कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिला संगठन आयुक्त श्री वैश्नाथ प्रसाद की देखरेख में पिरामिड एवं व्यायाम का अभ्यास कराया गया। प्राचार्य ने स्काउट्स और गाइड्स के बीच अनुशासन, देशभक्ति और सेवा के मूल्यों पर जोर दिया। फिट इंडिया कार्यक्रम में 85 स्काउट्स एवं 65 गाइड्स ने भाग लिया। ईस्टर्न रेलवे। पूर्वी रेलवे भारत स्काउट्स एवं गाइड्स की विशेष राज्य परिषद की बैठक 27 फरवरी 2024 को महाप्रबंधक सम्मेलन कक्ष में आयोजित की गई। बैठक भारत स्काउट्स एंड गाइड्स प्रार्थना के साथ शुरू हुई, जिसके बाद माननीय श्री मिलिंद के देउस्कर महाप्रबंधक पूर्वी रेलवे को, भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के संरक्षक एवं श्री सुमित सरकार अपर महाप्रबंधक पूर्वी रेलवे भारत स्काउट्स एवं गाइड्स के अध्यक्ष के रूप में बनाया गया। श्रीमती जरीना फिरदौशी प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी पूर्वी रेलवे और राज्य मुख्य आयुक्त पूर्वी रेलवे भारत स्काउट्स एंड गाइड्स ने वर्ष 2023-24 के लिए पूर्वी रेलवे भारत स्काउट्स एंड गाइड्स की उपलब्धियों की मुख्य झलकियां प्रस्तुत की। डॉक्टर अनुपम सेठ राज्य सचिव पूर्वी रेलवे भारत स्काउट्स एंड गाइड्स ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से पूर्वी रेलवे भारत स्काउट्स एंड गाइड्स की गतिविधियों और उपलब्धियों को प्रस्तुत किया। वेस्ट सेंट्रल रेलवे। पश्चिम मध्य रेलवे भारत स्काउट्स एंड गाइड्स राज्य मुख्यालय द्वारा एडवांस प्रशिक्षण कोर्स स्काउट्स एवं रोवर्स विंग तथा बेसिक प्रशिक्षण कोर्स स्काउट विंग जिला प्रशिक्षण केंद्र कोटा में 19 से 25 फरवरी 2024 तक आयोजित किया गया, जिसमें जबलपुर, भोपाल, कोटा मंडल, पूर्व मध्य रेलवे एवं दक्षिणी पश्चिम रेलवे से 56 प्रतिभागियों ने भाग लिया। ओडिशा। 22 फरवरी 2024 को ओडिशा राज्य भारत स्काउट्स एवं गाइड्स ने राज्य मुख्यालय भुवनेश्वर में विश्व चिंतन दिवस मनाया। उन्होंने अपने स्थानीय स्तर पर सर्वधर्म प्रार्थना, पौधरोपण, सफाई अभियान, समुद्र तट की सफाई और पोस्टर निर्माण और जागरूकता रैली का आयोजन किया। कार्यक्रम में अनामिका दास राज्य संगठन आयुक्त के निर्देश पे समापन कराया गया। ईस्ट सेंट्रल रेलवे। 26 दिसंबर 2024 को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत दानापुर रेलवे मंडल में 12 रेलवे स्टेशनों, रोड ओवरब्रिज, अंडरपास का शिलान्यास किया गया। इस कार्यक्रम में भारत स्काउट्स एंड गाइड्स पूर्व मध्य रेलवे दानापुर के सदस्यों ने अपनी सेवाएं दी। साउथ सेंट्रल रेलवे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अमृत भारत स्टेशनों के पूर्ण विकास के तहत वीडियो लिंक के माध्यम से शिलान्यास के अवसर पर विजयवाड़ा और राजमुंदरी सेवा शिविर से 100 से अधिक स्काउट्स और गाइड्स, रोवर्स और रेंजर्स ने भाग लिया। नए परिपत्र जारी किए गए। 29 OYMS पर सदस्यों के स्थानांतरित करने की प्रक्रिया। 31 8 मार्च 2024 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 32 रिक्त पद प्रशासनिक अधिकारी। आगामी कार्यक्रम एवं उत्सव। आयोजन का नाम राष्ट्रीय साहसिक कार्यक्रम। स्थान कर्शिंग, पश्चिम बंगाल। दिनांक 12 से 16 मार्च 2024। आयोजन का नाम रोवर्स और रेंजर्स के लिए राष्ट्रीय युवा बैठक, सेंट्रल, दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्रीय राज्य। स्थान केटी, तमिलनाडु। दिनांक 27 से 30 अप्रैल 2024। आयोजन का नाम इवेंट क्लोजर एंड एक्सपेरिमेंट शेयरिंग वर्कशॉप ऑन क्लाइमेट लीडर एक्शन प्लान। स्थान राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र पचमढ़ी।
दिनांक 19 से 21 मार्च 2024। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।